यह है आपके डीजल इंजन पर आधारित गाड़ी का एटोमाइजर। क्या काम करता है? सिलेंडर के अंदर फ्यूल को बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़कर हर एक कोने में बराबर मात्रा में स्प्रे करने का। क्यों जरूरी है इसके बारे में जानना? भाई साहब, एक कारण हो तो बताऊं, यहां तो पूरी लिस्ट बनेगी। अगर ये छोटू गड़बड़ कर गया तो आपका डीजल वाहन गया, मतलब बिल्कुल गया। चलो पहले बताता हूं इसमें आई गड़बड़ी को आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आएगी नॉकिंग की आवाज, इंजन स्टार्ट होने में लगाएगा टाइम, चलते चलते स्पीड में होंगे बदलाव, कभी तेज तो कभी धीरे। आपके वाहन का एवरेज बहुत तेजी से गिर जाएगा। कितना गिरेगा यह निर्भर करेगा एटोमाइजर में आई खराबी पर, और गाड़ी में से निकलने वाला धुआं भी काफी गंदा होगा। लो जी, एटोमाइजर द्वारा आपकी गाड़ी को बीमार करने के सभी कारणों के बारे में हमने जान लिया। यह छोटी सी चीज काम कैसे करती है और क्यों कहा जाता है इसे आपकी गाड़ियों का दिल, जिगर या गुर्दा, जो भी आप ठीक समझे। सबसे पहले कुछ जरूरी जानकारियां। क्या आपको पता है डीजल इंजन में हवा को किस रेशो में कंप्रेस किया जाता है? सिलेंडर के अंदर भरी गैस को उसके असली वॉल्यूम के 16वें हिस्से तक कंप्रेस किया जाता है। क्या आपको पता है इस टाइम पर सिलेंडर के अंदर कितने PSI का प्रेशर बन चुका है? मैं बता देता हूं, इस समय सिलेंडर के अंदर 500 से 600 PSI का प्रेशर बन चुका है। ये प्रेशर कंक्रीट की एक ईंट के बड़े छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है। इस वीडियो का अगला पार्ट भी अपलोड किया जा चुका है। कहां मिलेगा लिंक? पिन कमेंट्स में। और रहा सवाल, वो नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा।